हमारे बीच में युवा, कहा जाता है कि जो देश के कर्णधार हैं वो युवा हैं। हमारे बीच में राहुल कर्दम हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ प्रेरणा स्थल पर क्यों आए, इनका आने का कारण क्या है। राहुल जी, आप यहाँ प्रेरणा स्थल पर आए तो आने का यहाँ आपका यहाँ मुख्य कारण क्या रहा? आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो देश भर से लोग जगह जगह पर आज के दिन मान्यवर साहब जी को अपनी सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए जो बहुजन प्रेरणा स्थल बने हुए हैं उनमें पहुंच रहे हैं और साहब को दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसे क्या काम करा जो उन्हें याद किया जा रहा है? देखिए, साहब ने पूरे समाज को जगाने का काम किया। उनके बारे में कहा जाता है कि मान्यवर साहब, तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जमाई, कौम जगाई। जो काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधूरा छोड़ दिया था, उस मिशन मूवमेंट को अगर किसी ने इस देश में आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। क्या अधूरा छोड़ा था बाबा साहब ने जो कि मान्यवर कांशीराम साहब भी पूरा नहीं कर पाए? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो इस लोकतंत्र का मंदिर है यानी संसद भवन पर लोगों को पहुंचना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजना चाहिए, तो उस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उठाया और एक पार्टी बनाई जिसका चुनाव चिन्ह वही रखा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पार्टी का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, और उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया और इस पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाया कि इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिलवाया। क्या कारण है कि ये समाज बाबा साहब को, मान्यवर कांशीराम साहब को नहीं पढ़ रहा है, नहीं देख रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, समाज जो है वो कहीं ना कहीं दिशा से भटक रहा है। उसे ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है, कितना त्याग किया है, उन्हें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि जो उनकी जो कुर्बानी है उनको देखना चाहिए और फिर उसी दिशा में आगे काम करना चाहिए। आप युवा हैं तो ये युवा समाज को हम कैसे आगे लाएंगे? देखिए, युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रमों में हमें लेकर जाना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमें महिलाओं को लेकर जाना चाहिए। जब तक उनके अंदर स्वयं से चेतना नहीं आएगी वो ऐसे कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। उन्हें इतिहास की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि महापुरुषों का क्या योगदान रहा है इस देश में, समय समय पर जो हमारे संत हैं, गुरु हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने क्या काम किया है। जब तक उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं होगी तब तक वो इस मिशन मूवमेंट को अपना मिशन मूवमेंट नहीं मानेंगे। मैं ये इस मौके पर साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी मूल निवासी और बहुजन युवा हैं वो अपने इतिहास को जानें और अपने संघर्ष को जानें, और जो कारवा अधूरा रह गया है साहब कांशीराम जी का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसे पूरा करने के लिए तन मन धन से लग जाएं, चाहे उन्हें अपनी प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, लेकिन इस मिशन मूवमेंट को जब तक पूरा ना कर दें तन मन धन से लगे रहें। धन्यवाद।